मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने देजला देवाड़ा बांध के पास अवैध रूप से काली रेत परिवहन कर रहे 10 ट्रैक्टर पकड़े। डीएसपी ने खुद की कुंदा नदी पर छापामार कार्यवाही की। कई ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर भागे। खनिज विभाग को नहीं चुकाई रॉयल्टी, खनिज से संबंधित एक भी पेपर नहीं मिला। बड़े पैमाने पर रेत माफिया कुंदा नदी पर कर रहा था अवैध उत्खनन। जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर बिस्टान पुलिस ने अवैध रूप से काली रेत उत्खनन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की है। डीएसपी सौरभ तोमर ने टीम ले जाकर अचानक घेराव कर रेत से भरे करीब 10 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े हैं। डीएसपी के अचानक पहुंचने पर हड़कंप मच गया। नदी पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों से अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा था। लाखों की रॉयल्टी चोरी की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही के लिए कमर कसी है। खुदाई स्थल पर डीएसपी और पुलिस को देख के ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग गए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। आज सुबह रोड चेकिंग के दौरान 10 ट्रैक्टरों से जो रेत के परिवहन की बात सामने आई, जिनके पास में रॉयल्टी या कोई भी अन्य जो आवश्यक कागज जो रेत के परिवहन के लिए होने चाहिए थे वो उनके पास में नहीं थे। ट्रैक्टरों को नियमानुसार जब्त कर उनको आगे की कार्यवाही के लिए खनिज विभाग को सूचित कर दिया गया। सर, क्या हिरासत में नहीं है ड्राइवर्स वगैरह? कुछ पूछताछ जिसमें कुछ हो रही हो उनसे? कुछ पूछताछ उनसे की गई है उनसे, पर अब इसमें आगे की कार्यवाही खनिज विभाग के द्वारा। कहाँ से ला रहे थे ये, किस क्षेत्र से ला रहे थे? ये भगवानपुरा क्षेत्र के से की ओर से आ रहे थे और इनके द्वारा देजला देवाड़ा नदी जो है वहाँ से उत्खनन की बात की गई। लंबे समय से इस तरह से अवैध उत्खनन हो रहा, क्या ये कार्रवाई जारी रहेगी इस तरह से पकड़ गई? जी हाँ, ये कार्रवाई हमेशा जब भी इस प्रकार की हमको सूचना मिलेगी या जब भी हम रोड चेकिंग जब की जाती है तो जब भी इस प्रकार की चीजें रहेगी तो ये आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जैसे ही हमारे संज्ञान में आएगी ये कार्रवाई हमेशा जारी रहेगी। क्या सुनना है तुम्हारा? सौरभ तोमर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।